हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में, जो मैंने यूज़ किया है। मैं इसको 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। आप ये फील्ड देख सकते हैं, ये लगभग 10 एकड़ का फील्ड है। यहाँ पर मैंने मोरिंगा लगा के रखा है और टमाटर बेड के बीच में, और गोभी, पालक, और बाउंड्री साइड में पूरा चना है। तो इसको मैंने मोस्टली चने पर यूज़ किया है, और वो भी फॉयलर एप्लीकेशन में स्प्रे करवाया है मैंने। 3 बार इसका स्प्रे हुआ है सिर्फ वेस्ट डिकम्पोज़र का। 2 बार वेस्ट डिकम्पोज़र घोल और 1 बार वेस्ट डिकम्पोज़र घोल के साथ नीम घोल, जो मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ तैयार किया था। आप इसमें फल देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी सेटिंग हुई है फल की। हालांकि इसमें एक मुझे जो दिक्कत समझ में आई, नीम घोल मेरा ज़्यादा कारगर नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि मेरे जो मोरिंगा लगा हुआ है उसमें स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई की जाती है, तो बार बार इन चनों पर स्प्रिंकलर से पानी आ रहा था। तो जो मैंने नीम घोल करवाया वो नीचे झड़ गया उस पानी के कारण। बाकी आप देख सकते हैं जो फ्रूट सेटिंग है, चने की जो फल्ली है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आई हुई है। मैं आपको एक और फील्ड दिखाऊंगा। इसी फील्ड में मैंने टेस्टिंग की थी कि कहीं मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र घोल डलवाया था, कहीं पर नहीं डलवाया था। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डलवाया है, तो इसकी ग्रोथ, इनकी ग्रोथ भी हाइट वाइज अच्छी हुई है, और इसमें फ्रूट सेटिंग भी बहुत अच्छी हुई है। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र घोल का छिड़काव कराया ही नहीं है। वहाँ की ग्रोथ मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर फ्रूट सेटिंग, वहाँ पर फल कितना आया है चने का, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यही देख लीजिए एक और बार फिर से कि यहाँ पर मुझे क्या ग्रोथ मिली है। पेड़ लगभग 1 फीट से ऊँचा है, 1.5 फीट 2 फीट तक गया है, और अब मैं आपको वहाँ ले चल रहा हूँ जहाँ पर मैंने स्प्रे नहीं किया है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें मैंने 3 स्प्रे कराए हैं वेस्ट डिकम्पोज़र घोल के। अब मैं आपको लेके आया हूँ उस जगह पर जहाँ पर मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र घोल का स्प्रे नहीं कराया है। शायद आपको वीडियो में देखने में समझ में ना आए, लेकिन मुझे जो अंतर दिखा वो यह है कि जो इनकी प्लांट की ग्रोथ है, यहाँ पर कम फुटाव लिया है चनों ने। फल पेड़ के हिसाब से ठीक हैं, बट वहाँ जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वहाँ से कम है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ ही, जो हाइट है प्लांट की, आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है, ऐसे ही सारे प्लांट हैं इधर पे। ये मैंने इधर पे कोई भी वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल, किसी भी प्रकार का टॉनिक, कोई भी प्रकार की दवाई यहाँ पर स्प्रे नहीं कराई है। ये पूर्णतः बस सोइंग की, उसके बाद कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं की है। तो यहाँ की ग्रोथ पूरी की पूरी अलग है, और जहाँ मैंने डिकम्पोज़र का स्प्रे कराया है वहाँ की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। वहाँ पर उकटा रोग नहीं लगा हुआ है। ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ मुझे देखने को मिली कि अगर आप स्प्रे कराते रहते हैं तो पेड़ की जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ग्रीननेस जो मिलनी, ग्रीन होना चाहिए प्लांट जैसा, एकदम डार्क ग्रीन रहता है, जिससे उसका प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से होता है। ये पूरी फील्ड जो मेड़ के साइड में लगी हुई है, यहाँ पर मैंने कोई भी स्प्रे नहीं कराया है। इसकी ग्रोथ पूरी अलग है, और जहाँ पर स्प्रे कराया है वो बहुत ही अच्छा बढ़वार ली है उस चने ने, और बहुत ही अच्छा हुआ है। तो यही जानकारी मैं आज आपको देना चाह रहा था कि वेस्ट डिकम्पोज़र का मैंने जो अनुभव किया है वो क्या है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि इस फील्ड में मैंने गोभी और टमाटर वगैरह लगा के रखे हैं, इसमें मैंने अभी वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल और नीम ही छिड़काव किया है इन चनों में। अभी मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव नहीं किया।
लेकिन जो टमाटर मेरे यहाँ लगे हुए हैं वो भी मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ। ये गोभी लगे हुए हैं, इनमें फल आने लगा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद लगभग 3-4 कतारों में मैंने गोभी प्लांट करवा दिया। ये मुनगा, दोनों साइड में मुनगा है, इधर देख सकते हैं और उधर देख सकते हैं, बेड पर मुनगा लगा हुआ है और बीच लाइन में गोभी और टमाटर की पैदावार में ले रहा हूँ। टमाटर आप देख सकते हैं, प्लांट एकदम हेल्दी, बिना कोई कीट के। इस पर मैंने ज़रूर अभी कल की डेट में होली के दिन इसमें स्प्रे कराया है, वेस्ट डिकम्पोजर द्वारा बनाया गया माइक्रो न्यूट्रिएंट। और इसमें एक स्प्रे मैं नीम घोल का करा चुका हूँ, जो भी वही भी मैंने वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार किया था, पत्तियों के अर्क से नीम और धतूरा। आप देख सकते हैं प्लांट में कितने फल हैं और प्लांट की ग्रोथ बहुत ही प्यारी हुई है। यह पूर्णतः जैविक फील्ड है। अधिक जानकारी के लिए और कुछ आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। शायद आपको वीडियो में देखने में समझ में ना आए, लेकिन मुझे जो अंतर दिखा वो यह है कि जो इनकी प्लांट की ग्रोथ है, यहाँ पर कम फुटाव लिया है चनों ने, फल पेड़ के हिसाब से ठीक हैं, बट वहाँ जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वहाँ से कम है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ ही, जो हाइट है प्लांट की आप देख सकते हैं, ये जो प्लांट है ऐसे ही सारे प्लांट हैं इधर पे। ये मैंने इधर पे कोई भी वेस्ट डिकम्पोजर का घोल, किसी भी प्रकार का टॉनिक, कोई भी प्रकार की दवाई यहाँ पर स्प्रे नहीं कराई है। ये पूर्णतः बस सोइंग की, उसके बाद कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं की है। तो यहाँ की ग्रोथ पूरी की पूरी अलग है, और जहाँ मैंने डिकम्पोज़र का स्प्रे कराया है वहाँ की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, वहाँ पर उकठा रोग नहीं लगा हुआ है। ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ मुझे देखने को मिली कि अगर आप स्प्रे कराते रहते हैं तो पेड़ की जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ग्रीननेस जो मिलनी, ग्रीन होना चाहिए प्लांट जैसा, एकदम डार्क ग्रीन रहता है, जिससे उसका प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से होता है। ये पूरी फील्ड जो मेड़ के साइड में लगी हुई है, यहाँ पर मैंने कोई भी स्प्रे नहीं कराया है, इसकी ग्रोथ पूरी अलग है, और जहाँ पर स्प्रे कराया है वो बहुत ही अच्छा बढ़वार ली है उस चने ने, और बहुत ही अच्छा हुआ है। तो यही जानकारी मैं आज आपको देना चाह रहा था कि वेस्ट डिकम्पोज़र का मैंने जो अनुभव किया है वो क्या है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी मैंने आपको बताया जैसे कि इस फील्ड में मैंने गोभी और टमाटर वगैरह लगा के रखे हैं, इसमें मैंने अभी वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल और नीम ही छिड़काव किया है इन चनों में, अभी मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव नहीं किया। लेकिन जो टमाटर मेरे यहाँ लगे हुए हैं वो भी मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ। ये गोभी लगे हुए हैं, इनमें फल आने लगा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद लगभग 3-4 कतारों में मैंने गोभी प्लांट करवा दिया। ये मुनगा, दोनों साइड में मुनगा है, इधर देख सकते हैं और उधर देख सकते हैं, बेड पर मुनगा लगा हुआ है और बीच लाइन में गोभी और टमाटर की पैदावार में ले रहा हूँ। टमाटर आप देख सकते हैं, प्लांट एकदम हेल्दी, बिना कोई कीट के। इस पर मैंने ज़रूर अभी यहाँ लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ। ये गोभी लगे हुए हैं, इनमें फल आने लगा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद लगभग 3-4 कतारों में मैंने गोभी प्लांट करवा दिया। ये मुनगा, दोनों साइड में मुनगा है,
इधर देख सकते हैं और उधर देख सकते हैं, बेड पर मुनगा लगा हुआ है और बीच लाइन में गोभी और टमाटर की पैदावार में ले रहा हूँ। टमाटर आप देख सकते हैं, प्लांट एकदम हेल्दी बिना कोई कीट के। इस पर मैंने ज़रूर अभी कल की डेट में होली के दिन इसमें स्प्रे कराया है, वेज डिकम्पोजर द्वारा बनाया गया माइक्रो न्यूट्रिएंट। और इसमें एक स्प्रे मैं नीम घोल का करा चुका हूँ, जो भी वही भी मैंने वेज डिकम्पोजर से तैयार किया था, पत्तियों के अर्क से नीम और धतूरा। आप देख सकते हैं प्लांट में कितने फल हैं और प्लांट की ग्रोथ बहुत ही प्यारी हुई है। यह पूर्णतः जैविक फील्ड है। अधिक जानकारी के लिए और कुछ आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।